आज हम बनाएंगे पीनट भिंडी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, एक अलग से टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार होती है। इसे रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ सर्व किया जा सकता है। लंच बॉक्स के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी को धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। गीली भिंडी को काटकर पकाने से उसमें लसलसापन आता है, इसलिए इसे पोंछकर ही काटें। अब इन्हें काट लेते हैं। तो इनके दोनों किनारों को काटते हुए मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अब मैंने सारी भिंडी काट कर तैयार कर ली है। आधा कप मूंगफली के दाने भी ले लिए हैं। सबसे पहले इन्हें ही भून लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, फ्लेम को लो कर लेंगे। मूंगफली के दाने डाल देते हैं, इन्हें भून लेंगे। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। और अब मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है, इनका कलर तो चेंज हो ही चुका है, इनके भुनने की स्मेल भी आने लग गई है। इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो भी ज़रूर कर लें। इन्हें ठंडा होने देते हैं। और अब वापस उसी कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन का टेस्ट ना आए। और अब तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर लेंगे। इसमें एक टीस्पून बारीक वाली सरसों के दाने डाल देते हैं। 10 से 12 करी पत्ता भी इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। एक पिंच हींग भी डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। कटी हुई भिंडी डाल देते हैं, भून लेंगे। आप इस रेसिपी को कहाँ से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें भिंडी के अच्छी तरह से पकने तक पका लेना है। तो 3-4 मिनट तक भुनने के बाद इसे मैंने ढककर पकने दिया है। इसे हमें ढक्कन खोलकर बीच बीच में चलाते हुए भिंडी के अच्छी तरह से पकने तक पका लेना है। फ्लेम को लो कर लेंगे। तो जब तक भिंडी पकती है, मूंगफली के दाने ठंडे हो चुके हैं। इन्हें मसलकर इनके ऊपर के इस पिंक वाले छिलके को मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमें सारे छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना छिलका निकाले भी इस्तेमाल में ले सकते हो। इसे मिक्सी की जार में डाल देते हैं। अब इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। ढक्कन लगाकर इसे हमें दरदरा सा पीसकर तैयार कर लेना है। और अब ढक्कन खोलकर एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। भिंडी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हमने जो मसाले तैयार किए थे डाल देते हैं। इस रेसिपी में इसके अलावा दूसरे किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ तक कि हल्दी पाउडर की ज़रूरत भी नहीं होती। पर आप चाहो तो भिंडी को भूनते वक्त ही हल्का सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इन्हीं कुछ मसालों से ही ये भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। मिक्स करते हुए इन्हें हल्के हाथ से चला देंगे। अब हमें इन्हें ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से खुला ही 2 मिनट तक और भून लेंगे। इन्हें ज़्यादा ना चलाएं वरना ये टूट जाएंगे। और अब 2 मिनट के बाद हमारी भिंडी तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी पीनट भिंडी बनकर तैयार हुई है। इतनी भिंडी आप घर के 3 से 4 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। आप भी इसे ट्राई करके एक बार जरूर देखें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या दाल चावल के साथ सर्व करें। मेन कोर्स में साइड डिश की तरह भी सर्व किया जा सकता है। लंच बॉक्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।